सर्वेक्षण देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। देश में कोरोना संक्रमण के बाद केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज की घोषणा की गई थी। बाद में इसका समय समय पर विस्तार भी हुआ। इसकी अंतिम तारीख अब नजदीक आ रही है। हालांकि सरकार इसकी समय सीमा बढ़ाने पर विचार विमर्श कर सकती है। केंद्र सरकार बफर स्टॉक की स्थिति पर समीक्षा करने के बाद इस महीने के अंत तक इस योजना का विस्तार करने पर अंतिम फैसला करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि स्टॉक पर्याप्त होता है और खरीफ की बुवाई में कमी चिंताजनक नहीं होती है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि अगले महीने फैसला लिया जाएगा। अंतिम फैसला लेने से पहले बफर स्टॉक की स्थिति और खरीफ की जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो साबुत चना मुफ्त दिया जाता है। ये राष्ट्रीय खाद्य उद्योग अधिनियम के तहत पहले से उपलब्ध कराए गए सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त है। इस योजना को मार्च में 6 महीने के लिए इस साल सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर तक देश में भारतीय खाद्य निगम के पास 12.3 मिलियन टन चावल और 23.5 मिलियन टन गेहूं भंडार में होना चाहिए। 1 अगस्त तक सरकार के पास केंद्रीय पूल में 28 मिलियन टन चावल और 26.7 मिलियन टन गेहूं था। गेहूं की खरीद मई तक समाप्त हो जाती है जबकि धान की खरीद अक्टूबर में शुरू होती है। कम बारिश के कारण पिछले साल की तुलना में धान की बुवाई लगभग 6% घटकर 368.55 लाख हेक्टेयर रह गई है। ऐसे में कोई भी आवंटन मौजूद स्टॉक से ही करना होगा। सरकार बफर स्टॉक में कमी के बारे में चिंतित है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि अर्थव्यवस्था समान हो रही है, ऐसे में आपातकालीन राहत उपाय को आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें मार्च 2020 में कोविड-19 के बाद देशव्यापी लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था। अगर ये योजना को और आगे बढ़ाया जाता है तो सब्सिडी बिल में करीब 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ। धन्यवाद।